हाउस गोल हाउस गोल मैकेनिकल वाले जय माता दी, ऑटोमोबाइल वाले जय माता दी, सिंगल चैसिस जय माता दी, पेट्रोल वाले जय माता दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जय माता दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आप लोग ये वीडियो का टाइटल पढ़ के तो समझ चुके होंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो हमारी ट्रिप जा रही है आज श्री माता वैष्णो देवी। आज हम लोग जा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी, मैं और मेरे पीजी के 5 दोस्त। तो अभी हम यहाँ कश्मीरी गेट पे, हमारी बस 8 बजे की है और कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 पे आएगी। तो अभी हमारे पास टाइम है थोड़ा बस का वेट करने के लिए। तब तक मैं आपको इंट्रोडक्शन करा देता हूँ अपने दोस्तों से, फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस। ये है हमारे मिस्टर अजीत भारती। मास्क हटाएंगे, से हाय टू द ऑडियंस। से हाय टू ऑडियंस। हाय गाइस। और ये हमारे मिस्टर राहुल सिंह, से हाय टू ऑडियंस। हाय हाय हाय। अबे आराम से पांडे। ये है हमारे मिट्टू पांडे एंड यू नो पांडे जी का बेटा हूँ। या ये है हमारे दिलीप माथुर साहब। हाय पराठे, हाय पराठे। ये हमारे पीजी के मैनेजर हैं, सरपंच हमारे पीजी के, राव पीजी के सरपंच है। हाँ। ये है हमारे पीजी के चॉकलेट बॉय मिस्टर रोहित जांगड़ा। से हाय टू ऑडियंस। ऑडियंस है तेरे पास? है ऑडियंस तो है, थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत आएगी धीरे धीरे। ठीक है, कैसा लग रहा है आपको ट्रिप शुरू करने से पहले? बहुत अच्छा लग रहा है, जोर से बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। गोइंग टू हैव लॉट्स ऑफ फन। ओके, जयकारा शेर वालिदा, बोल साचे दरबार की जय। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी हैं हम लखनपुर में जे एंड के बॉर्डर पे और 6 बजे हमारी बस यहाँ पहुँची लखनपुर में। अभी हमारा रैपिड टेस्ट हुआ कोविड का और सबकी रिपोर्ट आई है नेगेटिव। तो अभी यहाँ से रिफ्रेशमेंट लेके निकलेंगे। तो लेट्स मीट एट कटरा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम कर चुके हैं यात्रा शुरू और आज डेट है 30th मार्च और टाइम हो रहा है 1:50। हाय बोल दो सारे एक बार, जयकारा शेर वालिदा, बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। लेट्स गो। अरे बोलो जय माता दी, पीजी वाले जय माता दी, सिंगल चैसिस जय माता दी, पेट्रोल वाले जय माता दी, इलेक्ट्रिक व्हीकल जय माता दी, मारुति वाले जय माता दी, वाले जय माता दी, ओ वाले क्रेन वाले जय माता दी, मैकेनिकल वाले जय माता दी, ऑटोमोबाइल वाले जय माता दी। अरे चलो चलो चलो, सरपंच साहब चलो चलो, मर तो नहीं जाएगा तू, थोड़ा अटैक हो गए। लेट्स हैव फन। मोटे रोड से तो, रोड से तो काफी देर से चल रहे हैं हम, अब चलेंगे सीढ़ियों से। आ जाओ आ जाओ। अरे चलो चलो चलो। सरपंच साहब कैसा फील हो रहा है आपको? हमारे सरपंच साहब ग्लूकोज पी रहे हैं, ग्लूकोज का सेवन करते हुए, हालत बहुत टाइट हो चुकी है उनकी। अभी तकरीबन हमने 15-20 सीढ़ियां चढ़ी होंगी सिर्फ। लेट्स सी, देखते हैं आगे आगे होता है क्या। क्यों रोज भाई आगे आगे इसकी
वेलकम बैक गाइस, जय माता दी। अभी हम अर्धकुंवारी से थोड़ा आगे आ चुके हैं। एक्चुअली हमने एक शॉर्टकट अपनाया जो अर्धकुंवारी से जस्ट नीचे से शुरू होता है, एक अर्धकुंवारी होके जाता है रास्ता जो पड़ता है 6.5 किलोमीटर, और एक उसके अपोजिट साइड में जाता है गाड़ियों वाला रास्ता, वो पड़ता है 5.5। हम 5.5 वाले से आ रहे हैं, तो यहाँ से महज अब आई थिंक 3 से 4 किलोमीटर रहता है मेन भवन। तो हम चले थे 2:15 बजे और अभी टाइम है 4 बज चुके हैं, और हमारी स्पीड है मतलब 1.5 घंटे में हमने 6 किलोमीटर वो कवर अप कर लिया। बाकी देखते हैं हम भवन तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर, बाय बाय। ये रहे हमारे पांडे जी और हमारे चॉकलेट भाई। कैसा लग रहा है यात्रा करके? तो हमें बहुत ही मजा आ रहा है, हैं? और जैसे जैसे माता का दरबार नजदीक होता जा रहा है वैसे वैसे और ही मजा आ रहा है। हाँ। जो हमारा उत्साह है थोड़ा बढ़ रहा है धीरे धीरे, और माथुर साहब से मिले, देखिए इनका क्या है। हेलो, मुझे भी काफी राहत महसूस है चढ़ाई करने के बाद। और अभी हम चढ़ चुके हैं करीबन 7 किलोमीटर और 3 किलोमीटर चढ़ाई बची है जो कि हम बहुत ही आराम से तय कर लेंगे। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगा कि माथुर साहब का जाम हो गया, पैरों का, घुटना का, जो भी जोड़ों का जवाब दे गई थी, लेकिन कैसे कैसे हौसला बढ़ा के हमने इनको उत्साह दिलाया। नौबत आ चुकी थी घोड़ा करने की। उसके बाद देखिए आप कैसे घोड़े की रफ्तार से चलते आ रहे हैं। हाँ। और ये 5.6 किलोमीटर की दूरी चढ़ करके आ चुके हैं। ये सिर्फ कमाल है, और ये कमाल है ऑरेंज बूस्टर का, थैंक यू ऑरेंज और लेमन फ्लेवर ग्लूकोंडी का। और आपकी क्या हालत है? I'm good. Yeah. I'm having lots of fun, bro. अच्छा, जैसे कि घना मजा आ रहा है। ये रहे हमारे बाबू राव। हाँ भैया, जीत भारती। हाय। 3 किलोमीटर बचा है मात्र भवन, तो कैसा फील कर रहे हैं आप? हैं? अभी हम दर्शन कर चुके हैं वैष्णो देवी जी के, मतलब 2.5 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें दर्शन हुए। फाइनली बहुत ही अच्छे तरीके से हमने दर्शन किए हैं। और अब हम जा रहे हैं भैरव मंदिर। अभी हम जा रहे हैं भैरव मंदिर, मिलते हैं आपसे भैरव मंदिर। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। तो लो गाइस, हम पहुंच चुके हैं भैरवनाथ मंदिर और दर्शन हम कर चुके हैं अभी सारे के सारे। यात्रा समाप्त हो चुकी है और यहाँ पे ऑफिशियली यात्रा वैसे समाप्त हो चुकी है, पर अनऑफिशियली अभी हुई नहीं, तो आगे आगे देखते हैं हम कहाँ लेके चलते हैं आपको। तो हमारे अजीत भारती और मिस्टर आशुतोष पांडे फर्स्ट टाइम आए हैं वैष्णो देवी। अजीत की एक स्टोरी है इसके पीछे कि इसकी फैमिली एक बार आई थी और इसकी फैमिली वाले ने इसका टिकट करा दिया, कैंसिल बोला, कैंसिल कर रहे लड़का तू नहीं जाएगा।
तू घर जा वापस, घर जा वापस। मुझे मायूस होके घर आना पड़ा, फिर मैं आज अपने दोस्तों के साथ आया हूँ। हाँ, और घर वालों को जाके प्रसाद खिलाऊंगा। इस लड़के के साथ सरासर जाती होगी थी उस टाइम। हाँ, क्योंकि ये बालक था, नादान था, अब ये वयस्क हो चुका है। हाँ, वयस्क हो चुका है। उसके साथ अब मैं 18 साल का हो चुका हूँ। हाँ, वे आया हमारे साथ दर्शन करने और फाइनली हमने दर्शन किया, बहुत ही मजा आया। लाइन में लगना, फिर वहाँ पे पहुँचना, जैसे जैसे माता जी का जयकारा हो रहा था वैसे वैसे और ही उत्साह बढ़ता जा रहा था। और सिक्योरिटी तो काफ़ी थी, हमें हर जगह समस्याओं का थोड़ा बहुत सामना करना तो क्या है, समस्या तो क्या ही थी, मतलब सिक्योरिटी पर्पस से ठीक था। बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे इतनी तगड़ी सिक्योरिटी थी जो कि होनी चाहिए सबकी सेफ्टी के लिए। तो व्यू बताओ, व्यू तुम लोगों ने, ये दोनों यूपी के रहने वाले हैं और इन लोगों ने पहाड़ पहली बार देखा। इतना बड़ा पहाड़ देखा, इतना बड़ा, मजा आ गया। बादलों से भी ऊपर जा रहा था वो पहाड़। हम तो, हमें लग रहा था आई एम द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, हम दुनिया में सबसे ऊपर हैं आज, हम पहाड़ों में हैं। पहाड़ पे तो ऐसा लगा कि बादल बिल्कुल टकरा गए, मौसम इतना शानदार, हल्की रिमझिम बारिश। भाई वीडियो में अटैच करेंगे, हम वीडियो में अटैच करेंगे। आंसू के साथ बने रहिए मशीन डॉक्टर में। भाई मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो गेटअप है, ऐसे गेटअप में मत आना, रात को बहुत ज्यादा ठंड लगती है। किसकी गलती है, इट्स योर फॉल्ट। क्या नाम है चैनल का? मातुर साहब से पूछ लेते हैं। मशीन डॉक्टर्स, हम इस चैनल्स में आज रिव्यू देंगे वैष्णो माता देवी जी का, जिसमें हमने काफी जो तीन जगह चढ़ाई करी है। पहला तो हमारा माता के मंदिर, जहाँ पे हमने काफी अच्छे नज़ारे देखे हैं और काफ़ी अच्छा हमने फूड का एक्सपीरियंस भी लिया, जो वहाँ पे आप प्रसादी आपको मिलती है, और यदि आपको कुछ खाना है तो काफ़ी अच्छे किफ़ायती रेट पे आपको अच्छा खाना मिल सकता है। और वहाँ से आप फ्री होने के बाद में जैसे ही ऊपर अगली चढ़ाई करेंगे भैरव जी के लिए, तो वहाँ पे आप आएंगे, काफ़ी अच्छा व्यू है, वहाँ से आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं शानदार सी, जिसमें आपको काफ़ी दूर दूर तक अच्छे नज़ारे दिखते हैं, और जो कि ज़मीन से 8000 फीट की ऊँचाई पर है, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा और आपका भी रहेगा, जिसमें हमारे एक ये बैठे हुए हैं इधर। हेलो गाइस, मिस्टर रोहित जांगरा फ्रॉम रोहतक। ठीक हो सारे? देंगे ये एक्चुअली कपल्स के साथ आए थे, ये शादीशुदा हैं, तो इनकी वाइफ भी एंजॉय कर रही हैं थोड़ा अच्छे से, तो अपना रिव्यू आप दे सकते हैं। और कपल्स के हिसाब से आपको रिव्यू चाहिए तो हमारे मिस्टर रोहित जांगरा जी आपको रिव्यू देंगे कपल्स का। रोहित जी बताइए। भाई मैं हूँ कति सिंगल, ठीक से कति पर अपड़ा हूँ, कति पर अपड़ा हूँ, कोई गर्लफ्रेंड भी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ दोस्तों के साथ, ठीक है। और भाई जिसने भी वैष्णो देवी माता आना है, घना मजा आओगा, सारे सारे आजियो, ठीक से दोस्तों के साथ आइयो, फैमिली के साथ कोई मजा नहीं आता है ट्रिप में, ठीक से। मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि हमने माता रानी के दर्शन कर ली, भैरव माता की दर्शन कर ली, बहुत अच्छा लगा। पर हमें अभी चैलेंजिंग मतलब जो हमारे एडवेंचरस ट्रिप है, एक और अभी बाकी है, वो हम कल मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। शेयर करें, लाइक करें, ठोक ठोको ठोके ठोके जय माता दी।